दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट हो जाएगी। वर्तमान में पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से ये एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है और इसकी अभी रैंकिंग है नंबर 10। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि आने वाले कुछ महीनों में आईजीआई एयरपोर्ट नंबर 10 से सीधे नंबर 1 पर आ जाएगी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पिछले कुछ सालों में अपने देश के एविएशन सेक्टर में काफ़ी तेजी से विकास हुआ है और सरकार का दावा है कि पिछले 9 वर्षों में 74 छोटे बड़े एयरपोर्ट चालू हुआ है। तो जहां 65-66 वर्षों में भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स आज स्थापित हो चुके हैं। तो जो भारत ने 65 वर्षों में किया, वही भारत ने 9 वर्षों में किया, आज 148 है। और उड़ान योजना के तहत आज करीब करीब 1 करोड़ 15 लाख यात्री, जिन्होंने कभी भी पहले कल्पना न की हो कि वे विमान सेवा के द्वारा आवागमन कर पाएंगे, उन्होंने आवागमन किया है। 475 ऐसे नए रूट्स प्रचलित हुए जो कभी कल्पना नहीं किए जाते थे। उड़ान स्कीम में डेवलप हुए कई सारे एयरपोर्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो नए एयरपोर्ट के शुरू होने से काफ़ी सारे नए रूट में फ्लाइट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सबसे ज़्यादा नया रूट देश की राजधानी दिल्ली को ही मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी पैसेंजर ट्रैफिक है 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर, जबकि इस साल के एंड तक यहां पर पैसेंजर ट्रैफिक 109 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होने की उम्मीद है। तो 70 मिलियन से 109 मिलियन पैसेंजर अगले कुछ महीनों में कैसे हो जाएगा और क्या इतना पैसेंजर हैंडल करने की कैपेसिटी है इस एयरपोर्ट की, ये अभी आगे देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया में सबसे बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट। तो ये लिस्ट हमने लिया है विकिपीडिया से। दुनिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट है अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि यूएसए के जॉर्जिया में है। लास्ट ईयर इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर ट्रैफिक था 93 मिलियन से भी ज़्यादा। इसके बाद के लगातार 3 एयरपोर्ट यूएसए के ही हैं। पूरी दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप 4 यूएसए का ही है। नंबर 5 पर है दुबई एयरपोर्ट और फिर से नंबर 6 पर यूएसए का ही लॉस एंजलिस एयरपोर्ट है। नंबर 7 पर है इस्तांबुल एयरपोर्ट, नंबर 8 पर है लंदन का हेथ्रो एयरपोर्ट और नंबर 9 पर है फ्रांस का चार्ल्स डे गुल्ले एयरपोर्ट। और इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है अपना आईजीआई एयरपोर्ट। लास्ट ईयर इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर ट्रैफिक था 57 मिलियन, लेकिन अभी के हिसाब से आईजीआई एयरपोर्ट पर पैसेंजर ट्रैफिक है 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर, जबकि इस साल के एंड तक ये 100 मिलियन पैसेंजर पर ईयर को भी पार कर जाएगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट हो जाएगी पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से। तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे पैसेंजर ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सारे नए एयरपोर्ट चालू हुए हैं, जबकि आने वाले महीनों में भी कुछ एयरपोर्ट चालू होने वाले हैं। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। एक नया रनवे भी बन रहा है, ये 4th रनवे होगा इस एयरपोर्ट पर और 4 रनवे के साथ आईजीआई एयरपोर्ट अपने देश का पहला और सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल 3 पर भी फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है और एक नया एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे भी बनाया जा रहा है। ये सभी काम अभी फाइनल स्टेज में है और इस साल के अंत तक इसे कम्प्लीट होने की उम्मीद है। तो आईजीआई एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर पैसेंजर फैसिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नया रनवे और क्रॉस टैक्सीवे के बनने से और ज़्यादा फ्लाइट को हैंडल किया जा सकेगा। तो एक तरफ अपने देश में काफ़ी सारे छोटे बड़े नए एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं और दूसरी तरफ आईजीआई एयरपोर्ट को एक्सपेंड करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से इस एयरपोर्ट पर लगातार पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट हो जाएगा। वैसे अपने देश के एविएशन सेक्टर में ग्रो होने से केवल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ही पैसेंजर ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित सभी बड़े एयरपोर्ट पर लगातार पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दुनिया की बिजीएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है
लेकिन सिंगल रनवे की कैटेगरी में। मुंबई एयरपोर्ट में वैसे तो दो रनवे हैं, लेकिन दोनों रनवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस कारण से एक टाइम पर एक ही प्लेन यहाँ से ऑपरेट हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर एक्सपेंशन या फिर नया रनवे बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुंबई के पास ही नवी मुंबई में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर यानी कि डेली लगभग 2 लाख पैसेंजर इस एयरपोर्ट से अपनी यात्रा शुरू या फिर ख़त्म करते हैं, और एक्सपेंशन के कंप्लीट होने के बाद डेली लगभग 3 लाख पैसेंजर यानी कि 109 मिलियन पैसेंजर पर ईयर इस एयरपोर्ट का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आने वाले महीनों में दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे, आईजीआई एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का अपडेट या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट का अपडेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।